वेलकम गाइस टू माय पीसी होटल वीलॉग। चलिए गाइस आपको लेके चलते हैं इस दफा पर्ल कॉन्टिनेंटल के विजिट पे, बिकॉज शॉट्स अभी रेडी हैं मेरे दोस्त। सो गाइस, दिस इज द बैक डोर ऑफ द पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल। जहाँ से मैं एंटर हुआ, ये बैक गेट है पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर का, और यहाँ से मैं एंटर इसलिए हुआ क्योंकि मेन गेट तो उन्होंने मैं एंटर होने नहीं देता, सो इस वजह से मुझे बैक डोर यूज़ करना पड़ा। तो ये है पैसेज जो कि उसका सीधा जाता है मेन हॉल की तरफ, राइट, जहाँ पे उसकी सारी रिसेप्शन है और ये और बाकी भी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, राइट। और ये इसका पैसेज है जो कि मेन हॉल तक जा रहा है, और ये नीचे जो है यहाँ पर बेसमेंट है जहाँ पर डिफरेंट किस्म के हॉल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉल्स हैं, और जहाँ पर डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स और वेडिंग्स वगैरह भी यहाँ पर होती हैं। और ये शैंडलियर एक बड़ी ही एक सिमेट्रिकल वे में जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और एक शैंडलियर की कॉस्ट जो है वो मोट 2.5 से 3 लाख है, राइट। तो अभी आप लोगों को मैं इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो सामने इसका मेल हॉल आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये जो शॉप्स हैं, और अब आपको मैं इसको लेकर चलता हूँ आपको इसके शॉपिंग मॉल की तरफ। ओके गाइस, अभी इस वक्त जो है मैं बिल्कुल अपने एक शॉपिंग मॉल है पवेलियन शॉपिंग मॉल, उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, सामने बैठा हुआ हूँ, और बड़ा ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग प्लेस है ये। अभी मैं आपको भी वहाँ पर लेके जाने वाला हूँ, और आप लोग मेरे साथ रहेगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट्स आने वाला है, क्योंकि इनका जो थीम है पीसी होटल का, जो शॉपिंग मॉल है पवेलियन शॉपिंग मॉल का जो थीम है, बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव है। सो प्लीज़ गाइस स्टे कंटिन्यू विद मी बिकॉज शॉट्स रेडी हैं। शॉपिंग गाइस, ये अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा, क्यों, क्योंकि ये जो वीलॉग है वो 2018 का, जब मैंने रिकॉर्ड, जब मैंने नई नई वीलॉगिंग स्टार्ट की थी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल के शॉपिंग मॉल पे। सो गाइस, दिस इज़ द शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कोर्ट कह लें या शॉपिंग स्ट्रीट कह लें, ऑफ द पीसी होटल, और जो कि बहुत ही अच्छे और क्रिएटिव वे में जो है इसका थीम जो है वो प्लान किया गया। इसकी तमाम जो जितनी भी शॉप्स हैं उसका एक ही डिज़ाइन है, और ये जो अंदर एक राइट साइड पे जो कॉर्नर है, राइट साइड पे वहाँ पर जो शॉप्स के डिज़ाइन है वो डिफरेंट हैं, राइट। बट अदरवाइज जो है वो भी आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ, वो जो शॉप्स हैं वो बिल्कुल एक ही पैटर्न पर डिज़ाइन की गई हैं, राइट। और ये देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स भी की गई हैं, और ये सारा जो है यहाँ पर ब्रांड्स ही हैं, राइट। तो अभी आपको मैं आगे और भी चीज़ें दिखाता हूँ। अब ये आप जो देख रहे हैं साइडों साइड पे जो है आप पे जो शॉप्स हैं, ये सारा एक ही पैटर्न पे सारी डिज़ाइन की गई हैं। ये दो लोग मेरी तरफ क्यों आ गए हैं? तो ये एक सेपरेट एक जहाँ से अभी मैं गुजर के गया हूँ, ये उसकी अपोजिट साइड पे है, राइट। अगर सामने आप देखें, ये बिल्कुल सेम सिमेट्री के ऊपर डिज़ाइन की गई है, और ये सारे के सारे यहाँ पर ब्रांड, जो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द मार्केट, एज कम्पेयर टू द आउटसाइड ऑफ द कॉन्टिनेंटल होटल, राइट, 50% जो हैं वो इसकी प्राइसेस जो हैं वो यहाँ हाई हैं एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड मार्केट। और इसका अगर आप देखें जो इसका पैसेज है, जो इसकी सिमेट्री है, जो इसकी अलाइनमेंट है, वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से और एक बहुत ही क्रिएटिव वे में जो है वो डिज़ाइन की गई है, राइट। शॉप्स भी अगर आप इसके देखें तो वो एक ही क्या उसे कहते हैं, उनका एक ही साइज़ है और एक ही उनका थीम है, जिसकी वजह से इसकी जो इसकी चार्मिंग, जो इसकी मतलब ब्यूटी में जो है वो जिसको कहते हैं ना चार चांद लगा रहे हैं उसका, अगर आप देखें पैसे, ये पूरा कारपेट है, ये पूरा कारपेट बिछा हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 5 चांद के शौकीन भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर कुछ इंतजाम किए जा चुके हैं जनाब। तो डेटें वेटे भी यहाँ पर चलती रहती हैं। और एक आपको बताना चाहूँगा, जो एक पान अगर मीठा पान अगर आप ये यहाँ से लेंगे ना, तो वो 240 रुपीज़ का। और ये सामने जो अब आपको मॉडल नज़र आ रहा है, ये मॉडल जो है वो बेसिकली पीसी भूरबंद का है, जो कि इस्लामाबाद वाली साइड पे है, जो यहाँ पर मैं अभी किया नहीं हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर चाहूँगा। तो मॉडल से तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो लेट्स सी यहाँ पर भी कभी वी लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। एटीएम्स वगैरह भी यहाँ पर लगी हैं। और ये सामने वो वाला पैसेज है, वो जो रास्ता है जहाँ से मैं अभी ऊपर गया था मैंने अपने लास्ट शॉट में, वहाँ से टर्न करके वापस आया हूँ मैं दूसरी साइड से। तो चलिए गाइस, अब आपको लेके चलते हैं इसकी मेन और इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे पर्ल कॉन्टिनेंटल, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था। तो
गाइस, ये वो शॉट है जो आप मेरे हर वीलॉग के इंट्रो में आपने देखते हैं। तो ये शॉट जो बेसिकली यहाँ से लिया गया है, वो शॉट जो कि आप इंट्रो में देखते हैं, और ये यहाँ पर आने की सबसे बड़ी रीज़न जो है पर्ल कॉन्टिनेंटल की, वो सिर्फ ये प्लेस थी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वीडियो बिल्कुल अलाउ नहीं है, राइट। लेकिन उमर शेख को बस किसी गॉड बाय गॉड ग्रेस और ब्लेसिंग कह लेंगे, मुझे यहाँ पर परमिशन मिल गई वीलॉग बनाने की, और आई एम द फर्स्ट वीलॉगर ऑफ पाकिस्तान के जिसने यहाँ पर पर्ल कॉन्टिनेंटल में जाके इस जगह का जो है वो शूट किया। आप इसी अगर डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल गया, एडवर्टाइजमेंट मिली, लेकिन आपको यहाँ का वीलॉग नहीं नज़र आएगा, राइट। हाँ, मेरे बाद भी बनाना चाहे बना लिए होंगे तो शायद बना चुके हों, राइट। तो यहाँ पर आप देखें इसकी ये जो ब्यूटी है आपको सारी नज़र आएगी। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम ये पाकिस्तान का इन्वायरमेंट नहीं लग रहा, राइट। तो ये इसके अपार्टमेंट्स हैं, रूम्स हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी के हैं, ठीक है। स्वीट्स भी हैं और भी काफ़ी अच्छे रूम्स हैं यहाँ पर जो कि डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए, राइट। और यहाँ पर अब एक बंदा बैठा हुआ है जो कि अपनी मतलब सिर्फ ऐसे बैठा जिस तरह वो दुबई के बीच में नहीं बैठा होता, और यहाँ पर बैठ के सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रहा है। अब देखें मैं आपसे ओवर एक्टिंग, बस और कुछ नहीं। पर कॉन्टिनेंटल मालिक बंदा है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अब जरा एंडिंग शॉट्स की तरफ। ये है गाइस वो बेसमेंट जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के जो है, डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो हॉल्स हैं, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें, इवेंट्स और सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वेडिंग्स। ओके गाइस, अब इस वक्त जो है मैं यहाँ से, ये हमारे जो लास्ट शॉट्स हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के सबसे लास्ट शॉट्स जो हैं वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ से जाने का मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है हमारे शॉट्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से मुझे बाहर की तरफ जाना है, और बाकी ये है कि यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया, इंटरेस्टिंग यहाँ पर प्लेसेस थी और लोकेशंस बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी लोकेशंस थी। आप लोगों को भी यकीनन मज़ा आया होगा। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ये वीलॉग अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल का आइकन आता है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले जो मेरे शॉर्ट्स हैं वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड क्रिएटिव हैं। सो प्लीज़ गाइस, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे क्रिएटिव एंड गॉड ब्लेस। अरे जा कर रहे हैं गाइस, बिकॉज शॉर्ट्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द पार्ट टू।